भोले लड़के ने माँ को वश में कर लिया। दोस्तों ये कहानी थोड़ी हटके है, तो अपने मन और तन को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। माँ की इस कहानी में सुने कि मेरे एक दोस्त जो थोड़ा मंद बुद्धि है ने कैसे अपनी माँ को वश में कर लेता है। जैसे उसने मुझे बताया मैंने वैसा ही उसकी कहानी में लिखा है। मेरा नाम लखन है और मैंने स्कूल पढ़कर पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग काफी गरीब घर से हैं। अभी मेरी उम्र 18 साल है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं आज भी बातों से अनजान हूँ। मैं एक भोला सा लड़का हूँ, पर इस घटना के बाद से मुझे इसका काफी ज्ञान हो गया। मेरी माँ का नाम सुजाता है और वो 42 साल की है। वो देखने में बड़ी मांसल और खूबसूरत है। आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में लोग अक्सर जल्दी खाना खा पी कर सो जाते हैं। एक दिन की बात है जब मेरी माँ, पिताजी और मैं खाना खाकर बस सोने की तैयारी कर रहे थे। हम सभी साथ में ही सोते थे क्योंकि हमारे यहाँ दो कमरे ही हैं, जिसमें से एक में रसोई घर है और दूसरा कमरा बाकी सभी रहने सोने खाने के काम में आता है। उसी कमरे में हम तीनों साथ ही सोते थे। उस दिन भी माँ ने रोज की तरह बिस्तर नीचे जमीन पर ही लगाया था। सोते समय माँ ने टेबल फैन चालू कर दिया और हम सब सो गए। मेरे पिताजी तो काम करके आते ही खाना खाकर सो जाते हैं क्योंकि वो काफी मेहनत का काम करते हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है। शायद पापा की उम्र मम्मी से करीब 10 साल बड़ी है। मुझे तो बचपन से ही माँ ही सुलाती आई थी क्योंकि मैं रात में पेशाब नहीं रोक पाता था, इसलिए माँ मुझे एक साइड सुलाती थी, वो खुद बीच में सोती थी। मैंने रात को पानी पीने के लिए आंखें खोली तो मैं देखता ही रह गया। मेरे पिताजी माँ दोनों साथ थे, पर अपनी आंखों को फिर बंद कर लिया और चुपके से देखने लगा। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं अब ऐसा देखकर हैरान था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि पिताजी क्या कर रहे हैं क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं था। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। तभी अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं सो गया। सुबह जब माँ मुझे जगाने आई तो माँ मुझ पर चिल्लाने लगी क्योंकि मैंने बिस्तर में ही पेशाब कर दी थी। मैं चूंकि सोया था तो माँ ने मुझे खड़ा किया और बाथरूम में ले जाकर मुझे नहलाने लगी। इस समय नहलाने में उनके कपड़े गीले ना हो जाएं। मैंने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। फिर मुझे तैयार करके वो अपना काम करने लगी। अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। तभी मुझे कुछ सूझा तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, ये क्या होता है? तब मुझे मेरे दोस्त ने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया और उसने बताया ये चीज होती है और इसी चीज से मजा लिया जाता है। उससे और भी जानकारी मिली, तब मुझे कुछ मालूम हुआ। फिर मुझे इन चीजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। फिर शाम को जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, हम जल्दी खाना खाकर सो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है माँ। फिर शाम को जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, हम जल्दी खाना खाकर सो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है माँ, मुझे भूख भी तेज लग रही है। माँ ने जल्दी से खाना बनाया और हम दोनों खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। तभी लेटने की तैयारी ही की थी कि लाइट आज फिर चली गई। माँ ने बिस्तर लगाया और मच्छरदानी लगा दी ताकि हमें मच्छर न काटे। माँ बोली बेटा पंखे को सामने रख दे और ताला लगाकर स्विच ऑन कर देना ताकि लाइट जब आए तो पंखा चालू हो जाए। मैंने पंखे को पैरों की ओर रखकर उसे सेट कर दिया और सो गया। तब तक माँ भी सो चुकी थी, रोजाना की तरह पेशाब के कारण सोना पड़ता था। तो मैं माँ के पास आकर सो गया। माँ सो गई, कुछ घंटों बाद लाइट आ गई तो मेरी नींद खुल गई, पंखा चालू हुआ और फिर जो मैंने देखा और मेरा दिमाग डोलने लगा और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। आज पहली बार मैंने देखा इस तरह से पसीना पसीना हो रहा था। मैंने सोचा कि आज पिताजी नहीं है तो क्यों ना मैं ही कुछ कर दूं। माँ गहरी नींद में सोई हुई थी तो माँ जागी ही नहीं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। फिर मेरा दिमाग चला कि जब बोल्ट होता है तो उसका नट भी होता है। फिर कुछ थोड़ा मेहनत के बाद अब मैं थक चुका था तो मैं सो गया। अगले दिन भी पिताजी नहीं आए तो मैं इस बात से बहुत खुश हुआ। मैं आज फिर से बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई हम सोने गए। माँ ने कहा बेटा रात को तो बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने कहा माँ आप सो जाओ, मैं पंखा आपकी तरफ कर देता हूँ। माँ पंखे के सामने ही सोई हुई थी। मैंने पंखा चालू किया तो माँ ने कहा बेटा मुझे हवा नहीं लग रही है। मैंने टेबल फैन को नीचे करके जैसे ही चालू किया तो माँ को हवा लगी। मैं पास में हो गया और माँ से कहा कि माँ रात को इसमें से बहुत पसीना आ रहा था तो मैंने साफ किया था। माँ मेरी बात सुनते ही घबरा सी गई और बोली क्या तूने सच में ये किया था? मैंने कहा हाँ माँ, मैंने आपको जगाने की कोशिश भी की थी मगर आप जागी नहीं, तो मैंने भी पिताजी की तरह ही सब किया जैसा वो करते हैं। माँ ने बहुत चक्का होते हुए कहा बेटा ये बात किसी को ना बताना। मैंने कहा ठीक है माँ। माँ ने कहा नहीं बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा
पिताजी भी तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, सो जाओ। पता नहीं माँ मुझे क्यों नहीं दे रही थी, मगर मुझे तो माँ की परेशानी लगी थी, तो मैं माँ के सोने का इंतजार करने लगा। माँ के सोते ही मैंने शुरू किया और अब मैं रोजाना माँ की मदद करता हूँ। आप मेरी इस माँ की कहानी को सुनकर मुझे जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। वैसे ये कहानी मुझे जगताप ने भेजी थी, उत्तर प्रदेश से। चलो दोस्तों, मैं अब चलती हूँ। बाय।